हेलो एवरीवन दिस इज़ क्लास सिक्स मैथ्स वीडियो ऑफ चैप्टर ट्वेंटी सिक्स ट्राइंगल्स एक्सरसाइज ट्वेंटी सिक्स ए इंट्रोडक्शन एंड क्वेश्चन नंबर वन पार्ट वन एंड टू आई हैव ऑल अपलोड ऑलरेडी दिस इज़ पार्ट थ्री ऑफ क्वेश्चन नंबर वन वेरी इजी क्वेश्चन जिन बच्चों ने कर लिया है वो उन्होंने ये क्वेश्चन भी कर लिया होगा जिन बच्चों ने फर्स्ट टू क्वेश्चन कर लिए हैं सी दिस इज़ द ट्राएंगल लेट्स गिव नेम टू दिस ट्राइंगल ए बी सी एंड डी दिस ट्राइ एंगल इज़ डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स राइट ये थोड़ा नाइन्टी का एंगल नहीं है मेरे ट्राइंगल थोड़ी सी गलत है ये नाइन्टी का नहीं है ये थोड़ा टेढ़ा है इधर को कुछ इस तरह से है दिस इज स्लॉटेड समथिंग ओके सो अब हमने क्या करना है यहाँ पे अननोन एंगल जो है हमने फाइंड करना होता है अनन एंगल इस फिगर में कौन सा है एक्स जिसको उसने मार्क करा है वो वाला एंगल हमने फाइंड करना है एक्स हमने फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे वी विल अप्लाई एंगल प्र प्रॉपर्टी ठीक है एंगल हम प्रॉपर्टी क्या थी कि एक ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं इंटरनल एंगल्स उनका सम क्या होता है वन एटी डिग्री होता है सम ऑफ ठीक है वन एटी डिग्री होता है तो इस ट्राइंगल को अगर आप जब ध्यान से देखोगे से दिस इज़ द ट्राइंगल ये एक ट्राइंगल है जब यहाँ से एक लाइन और ड्रा की जाती है तो ये दो ट्राइंगल्स हो जाती हैं एक ट्राइंगल ये इतने वाली और दूसरी ट्राइंगल ये इतने वाली ठीक है तो अब देखो एंगल कैसे फाइंड करेंगे इसमें तो उसने सिर्फ एक ही एंगल दिया है दैट इज़ ट्वेंटी डिग्री का दूसरा हमने फाइंड करना है तीसरे के बारे में उसने कुछ बताया ही नहीं है बट इसके अंदर इस ट्राइंगल के अंदर मैं अगर ए सी डी की बात करूं एक एंगल ये दिया है दूसरा ये दिया है तीसरा हम फाइंड कर सकते हैं ना बाई यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी गेटिंग तो अब हम इस ट्राइंगल पे फोकस करेंगे सो इन ट्राइंगल ए सी डी इन एंगल ए सी डी एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी टू वन एटी डिग्री अभी आप बोलोगे सोचोगे कि मैम ये जो एंगल आप फाइंड कर रहे हो ये तो उसने फाइंड करने को बोला ही नहीं है हाँ बेटा नहीं बोला है बट अगर हमारे पास ये एंगल आ जाएगा ना तो मैं ये पूरा एंगल निकालूँगी ये कितने का बनेगा वन का तो यहाँ से ये भी एंगल आ जाएगा जब ये एंगल आएगा तो मैं यहाँ से ये तीनों का सम लेके एक्स निकाल सकती हूँ इस तरह से कर रही हूँ पहले हम ये एंगल निकालेंगे एंगल ए इज ऑफ फोर्टी फाइव डिग्री एंगल सी वी हैव टू फाइंड एंगल डी इज सिक्सटी डिग्री ठीक है Angle C, keep it as it is. Add these two angles 180 as it is. Take this 105 to another side after 180, its sign will get changed, and you will get the answer. सेवेंटी फाइव डिग्री सी अब ये एंगल सेवनटी फाइव डिग्री का हो गया अब क्या करना है ये लीनियर पेयर लो दिस लाइन स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल कितने का होता है वन एटी डिग्री का अगर आपको इतना एंगल सेवेंटी फ़ाइव का मिला है तो आप सेवनटी फाइव को अगर वन एटी पूरे में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास इतना पार्ट आएगा ना गेटिंग सो राइट डाउन कि हमारे पास क्या है बी सी डी इज स्ट्रेट लाइन सो यहां से लिख दीजिए एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू वन एटी डिग्री ब्रैकेट में लिख दीजिए लीनियर पेयर अब दोनों को ऐड करिए इधर कर देती हूँ ए सी बी हमारे पास कितना है ए सी बी वी हैव टू फाइंड कीप इट एज इट इज और दूसरा जो हमारे पास ए सी डी है दैट इज सेवेंटी फाइव डिग्री राइट ए सी बी एज इट इज टेक दिस सेवेंटी फाइव टू नदर साइड माइनस सेवेंटी फाइव सो ये जब आप सब करोगे यू विल गेट वन हंड्रेड फाइव डिग्री ठीक है ये एंगल हो गया हमारे पास वन हंड्रेड फाइव डिग्री का अब क्वेश्चन हो जाएगा सी ये एंगल ट्वेंटी डिग्री का है वन हंड्रेड फाइव डिग्री का है एक्स आप फाइंड कर ही लोगे बाय यूजिंग एंगल्स सम प्रॉपर्टी तीनों का एंगल जो है वन एटी डिग्री के इक्वल होता है राइट right, तो हमने इस पर क्या करा है ए सी भी ली सम ऑफ ऑल द ट्राइंगल वन एटी डिग्री तीनों एंगल को ऐड करके वन एटी के इक्वल रखा एंड आई हैव पुट द वैल्यूज़ ट्राइंगल से देख के आप भी पुट करिएगा वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी इसीलिए मैंने इसको ऐसे कर लिया है नाउ ऐड द एंगल्स राइट एक्स एज इट इज़ इसको ऐड करोगे फाइव एज इट इज़ इट बिकम्स वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव डिग्री इजिकल्स टू वन एटी डिग्री एक्स इज इक्वल्स टू वन एटी एज़ इट इज़

क्वेश्चन काफ़ी लेंथी था बट अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई ऐसे आपको सॉल्व करना आ गया तो समझो आपको काफ़ी हद तक ये चैप्टर आपका क्लियर हो गया है ठीक है दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन थैंक यू